आज आगे हम बात करते हैं उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस जो होता है वो मध्य से तो मोटा होता है और किनारों से पतला होता है, कुछ इस प्रकार का डायग्राम होता है। उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों से पतला होता है और बीच से कैसा होता है, मोटा होता है। यहां से तो इसके मध्य से जो रेखा गुजरती है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, इस प्रकार से गुजरती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, मुख्य अक्ष नाम देते हैं। यहां पर मध्य के अंदर जो है उसका ओ से दर्शाया जाता है। जो उत्तल लेंस होता है उसका जो मध्य का बिंदु हो इसको ओ से दर्शाते हैं। इसके अंदर दो पोल होते हैं, एक तो ये वाला होगा जिसको हम P1 कहेंगे, एक ये वाला होगा जिसको हम P2 कहेंगे। जो लेंस होता है उसके अंदर दो पोल होते हैं, दो फोकस होते हैं और दो ही वक्रता केंद्र होते हैं। एक तो फोकस यहां पर हो गया इस प्रकार से, दूसरा फोकस यहां पर हो गया इस साइड का। यहां पर जो होगा बीच में वो होगा 2F, या फिर उसको हम C कह सकते हैं, सेंटर कह सकते हैं, वक्रता केंद्र, या इसको हम 2F भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इस साइड में होगा, इसको हम 2F भी लिख सकते हैं और C भी लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा। और इस साइड में भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा। इस प्रकार से दो फोकस होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं, दो अनंत होते हैं प्रत्येक लेंस के अंदर। उसके बाद में हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जो वस्तु होती है, उसको हम कुल 6 स्थान पर रख सकते हैं। तो हम यहां पर आज हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले है वस्तु कहां पर रखनी है, उसके बाद में उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इमेज कहां पर बनेगी, यहां पर होगा प्रतिबिंब, और लास्ट में होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब जो है उसकी प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो सबसे पहला केस होता है अगर हम वस्तु को अनंत के ऊपर रख दें। पहला केस है क्या होगा, अगर वस्तु को हमें अनंत पर रख देते हैं। अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है, ये रहा एक नंबर। प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा और उल्टा। इस लाइन से अगर नीचे आता है तो उल्टे में काउंट होता है, वास्तविक होगा और उल्टा, वास्तविक व उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। दूसरी बात आती है अगर हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रख दें, यहां पर रख दें। दूसरी बात कहां पर आती है, अगर हम वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रख दें, वक्रता केंद्र के मध्य रख दें, अनंत हो गया और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र, इसके मध्य रख दिया, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इस जगह के ऊपर बनेगा, दो नंबर। दो नंबर प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर बनेगा। कहां पर बना है, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बना है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र के मध्य। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक है, उल्टा है। उसके बाद में थर्ड केस क्या बनता है, अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर रख दें, वक्रता केंद्र के ऊपर रख दिया तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा और वस्तु के समान बनेगा। तीसरा केस है अगर हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया, वक्रता केंद्र पर रख दिया तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र के ऊपर, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा और वस्तु के समान होगा। ये ऊपर वाले जो दो हैं ये तो वस्तु से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, वस्तु से छोटे होते हैं। और ये क्या होता है, थर्ड वाला वस्तु के समान होता है, वस्तु के समान होगा। अगर हमने वस्तु को जो है इसके ऊपर है वक्रता केंद्र के ऊपर रखा है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के समान बनता है। उसके बाद में जो फोर्थ केस है वो बनेगा अगर हमने वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रख दिया, वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य, व फोकस के मध्य रख दिया,
प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा वक्रता के अंदर और अनंत के मध्य, यहां पर बनेगा चार नंबर। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वक्रता के अंदर व अनंत के मध्य बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। यह होगा वस्तु से बड़ा होगा, यह प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या होगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा। पांच कंडीशन आती है अगर हमने, पांचवी आती है अगर हमने वस्तु को रख दिया फोकस के ऊपर, यहां पर होगी पांचवी कंडीशन। अगर वस्तु को रख दिया फोकस पर, प्रतिबिंब बनता है अनंत के ऊपर, इन्फिनिटी के ऊपर। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? इन्फिनिटी के ऊपर, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। वास्तविक होगा उल्टा होगा, लेकिन जो ये पांच नंबर का जो प्रतिबिंब होगा वो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्या होगा? सबसे बड़ा प्रतिबिंब होगा, सबसे बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, अगर पूछ ले सबसे छोटी कौन सी होगी, तो सबसे छोटी होगी फर्स्ट केस की। अगर हमने वस्तु को अनंत के ऊपर रखा है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो सबसे छोटा बनता है। अगर हमने वस्तु को फोकस पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लास्ट और जो मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, अगर हमने वस्तु को फोकस और पोल के मध्य रख दिया, अगर हमने वस्तु को फोकस व ध्रुव के मध्य रखा, के मध्य, ठीक है, ध्रुव जो है ना पोल, ये फोकस हो गया और ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया, पोल, इनके मध्य रख दिया, तो जो प्रतिबिंब होगा, जो प्रतिबिंब होगा वह वस्तु की ही दिशा में बनेगा, इस साइड में बन जाएगा। प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से इस साइड में बन जाएगा, छह नंबर का। ठीक है, जो अगर हमने वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा है तो प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की दिशा में ही बनता है। ये कहां पर होगा? वस्तु की दिशा में ही बनेगा। ये कहां पर बनेगा? वस्तु की दिशा में ही बनेगा। और ये किस प्रकार है? लाइन से ऊपर है तो ये क्या होगा? सीधा होगा और आभासी होगा। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा व आभासी होगा। ये जो प्रतिबिंब है वस्तु से तो बड़ा होगा लेकिन सबसे बड़ा नहीं होगा। ये तो छह नंबर का जो प्रतिबिंब है ये वस्तु से तो बड़ा होगा लेकिन सबसे बड़ा नहीं होगा। अगर पूछ ले सबसे बड़ा प्रतिबिंब कौन सा? पांच नंबर का प्रतिबिंब। अगर वस्तु जो है ना फोकस के ऊपर रखी है तो प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है। अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब सबसे छोटा बनता है। अगर वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब उसी के समान बनता है। तो इस प्रकार से ये सारी इमेज बनती है। अगर फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, छह ही केस होते हैं टोटल। पहला केस है अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस के ऊपर। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। अगर वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रखा है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के समान बनता है। फोर्थ केस होगा अगर हमने वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा है तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा। अगर हमने वस्तु को फोकस पर रखा है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, सबसे बड़ी इमेज बनती है। अगर हमने वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा है तो जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की दिशा में बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद में आगे बात करते हैं। इसके लिए वो सोल ट्रिक भी है, वो किस प्रकार से होगी? जो अवतल, जो हमने अवतल दर्पण के अंदर करी थी, फोकस टू एफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू एफ एफ, ये मान लो हमने रख दी वस्तु, इसको क्या मान लिया? वस्तु। और इसको हमने मान लिया प्रतिबिंब, इसको हमने क्या मान लिया? प्रतिबिंब मान लिया, इस प्रकार से। ठीक है, तो देख लो एक बार मिला के, इसमें क्या होता है? अगर हमने वस्तु को फोकस पर रखा है तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। वस्तु को हमने अगर फोकस के ऊपर रखा है तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। पहला केस क्लियर।
अगर हमने वस्तु को वक्रता के अंदर पर, इसी को मैं सी भी लिख सकता हूं, वक्रता के अंदर, अगर वस्तु को वक्रता के अंदर पर रखा है तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता के अंदर के ऊपर ही, वक्रता के अंदर पर ही बन रहा है। क्लियर है बात इतनी? अगर वस्तु को हमने अनंत के ऊपर इन्फिनिटी पर रखा है, ये रहा वस्तु को हमने अनंत पर रखा है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस के ऊपर, प्रतिबिंब कहां बनता है फोकस के ऊपर। ये वो ट्रिक मेथड है अफ टू अफ इन्फिनिटी, इसको यहां से वापस कर देंगे उल्टा, इन्फिनिटी टू अफ और अफ, इस प्रकार से हो जाएगा ये। अब बात एक और आती है कि जो उत्तल लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग होता है, मतलब अभिसारी होता है या फिर अपसारी होता है। बात यह है अभिसारी होता है या अपसारी होता है। तो जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस जो होगा वो अभिसारी होता है, अभिसारी होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कैसा होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। अभिसारी लेंस कौन सा होता है? अभिसारी लेंस वो होता है जो सभी किरणों को एक स्थान के ऊपर इकट्ठा कर दे, सभी किरणों क्या कर दे, एक स्थान के ऊपर इकट्ठा कर दे। जैसे इस प्रकार से कोई भी रे आई है यहां पर इस प्रकार से, तो वो सभी रे को एक बिंदु के ऊपर क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है, उसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अगर पूछ ले अभिसारी लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस होता है। अगर पूछ ले कौन सा दर्पण अभिसारी होता है, तो अवतल दर्पण जो है वो अभिसारी होता है। एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस व अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनके प्रतिबिंब लगभग सेम बनते हैं। क्या होते हैं? सेम बनते हैं। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? अभिसारी होते हैं, अभिसारी होते हैं। दोनों के दोनों प्रकाश की किरणों को एक स्थान के ऊपर इकट्ठा कर देते हैं। इसके विपरीत क्या होगा? जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस है वह उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ये दोनों के दोनों अपसारी होते हैं, अपसारी डाइवर्जिंग होते हैं, जो किरणों क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। जैसे जो अवतल लेंस होता है उसका इस प्रकार से डायग्राम होता है, यहां से कोई भी रे आई उसको इस प्रकार से फैला देगा, इस प्रकार से फैला देता है, किरणों क्या कर देता है, फैला देता है। उसके बाद भी हम लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, उत्तल लेंस के उपयोग कहां कहां पर होते हैं। सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। तो हम इसके जो हमें उपयोग लिखेंगे कहां कहां पर इसके उपयोग किए जाते हैं। यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो जो हमारी आंख में जो होता है, सबसे पहले तो जो हमारी आंख के अंदर होता है वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। कैमरा है, कैमरा जो है कैमरे के अंदर कौन सा होता है, कैमरे के अंदर भी उत्तल लेंस होता है। टेलीस्कोप के अंदर, दूरदर्शी के अंदर, टेलीस्कोप के अंदर भी किसका प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जिसको हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी के अंदर भी किसका प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का। ह्यूमन आई के अंदर, कैमरे के अंदर, दूरदर्शी के अंदर, सूक्ष्मदर्शी के अंदर किसका प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में चश्मे के अंदर भी इसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन चश्मे में दोनों का प्रयोग होता है, अवतल लेंस का भी प्रयोग होता है और उत्तल लेंस का भी प्रयोग किया जाता है चश्मे के अंदर। उसके बाद में और इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, जो प्रोजेक्टर जो होते हैं उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर जो होते हैं, जो स्कूल में लगे होते हैं, कॉलेज में लगे होते हैं, जो प्रोजेक्टर होते हैं उसके अंदर भी किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ उपयोग थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे बातें करेंगे अगली वीडियो में।